राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान स्कूलों में गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर बच्चों के माता-पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, तुकबंदियां करने लगें, रखने लगें, ये माता-पिता को मंजूर नहीं। अभिभावकों को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उसे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पे उन्हें चलाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा में ये निहित है कि बच्चे केवल वही करें जैसा माता-पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, ये स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। वे चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। आज बच्चों के खेलने कूदने की सार्वजनिक जगह या तो खत्म हो गई हैं या इतनी घुटनभरी हो गई हैं कि वे उतने मुक्त उतने निर्भीक अब शायद नहीं रह पाते। वे खेलों के मैदानों से अधिक टीवी कंप्यूटर मोबाइल आदि के सामने बने रहते हैं। बच्चों की बच्चों से दूरी पड़ गई है। स्कूलों ने उनके लिए सीखने सिखाने के व्यवस्थित अवसर दिए हैं तो नए तरह के दबाव भी दिए हैं। वे अब पग पग पर निर्देशित किए जाते हैं। इसने उनकी स्वतंत्र सोच को कुंद कर दिया है। उनके लिए किताबें कुछ हद तक बड़ी हैं लेकिन उन्हें पढ़ने की प्रेरणाएं और समय घट गए हैं। हमारी भाषा की कक्षाओं में कविता पर काम करने का तरीका भी संतोषजनक नहीं है। शिक्षक कविता को नीरस ढंग से पढ़ डालते हैं और उसका अर्थ समझाने लगते हैं। किताब को खोलकर बच्चों से खुलवाकर पढ़वाते हैं। बैट डाल पर चिड़िया रानी चू 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 ची ची गाती है। फिर पूछेंगे इसका अर्थ जानते हो, पेड़ देखा है, डाल देखी है, जैसे बच्चों ने कभी पेड़ ही ना देखा हो। बच्चे भी सोचते हैं हाँ देखे हैं, मौका मिलने पर चढ़ भी जाते हैं, पर मास्टर जी आज डाल पेड़ चिड़िया का हवा क्यों बना रहे हैं। बहरहाल ऐसी दो एक बातों के बाद मास्टर जी जितनी जल्दी हो सके प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं। अच्छा बताओ बैठ डाल पर चिड़िया रानी कहाँ चू चू चीची करती थी, यानी कविता का रसभंग कर देना ही कविता की पढ़ाई है। जाहिर है गीत कविता जैसे सरस विषय को ऐसे नीरस ढंग से पढ़ाया जाना बच्चों में गीत कविता में सुरुचि जगाने के बजाय अरुचि ही पैदा करता है। छोटे बच्चों के लिए ये बिना ग्लोब के कर्क रेखा ढूंढने जैसा है। कविता शिक्षण का यही हाल आगे की बड़ी कक्षाओं और कॉलेज तक ही बना रहता है, जिसका नतीजा यह होता है कि छात्र साहित्य में भी तो शिक्षकों को 10-20-50 सब कुछ कर डाल याद है पर उन्हें रस लेना ही नहीं सीखता। हाव भाव के साथ सुनाना दूसरी ओर बच्चों के आरंभिक वर्षों का अवलोकन करने प्रशिक्षणों में भी अगर उन्हें गीत कविताएं उपलब्ध कविता में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। बच्चे चाहते हैं कि उनके पास गाने गुनगुनाने के लिए पंक्तियां हों, किन नेतो सुख के जीवन में 10-20 नाचने की कविता याद आने के अवसर ने वो जुटाना में जरूरत योजना है आपके साथ सुनाना तो आश्चर्य लोक की बात हो गई और काम करने का सीधा प्रशिक्षणों में अगर उन्हें गीत कविताएं बच्चों के साथ करवा भी दी जाए और हाव भाव के साथ गाकर बता भी दिया जाए इसके लिए जरूरी है बाद उन्हें आमंत्रित किया जाए बच्चों के इस तरह अब आप इन्हीं में से कोई कविता समूह के बीच करवा कर देखें तो वो कहते हैं हम तो बड़ी कक्षाओं को पढ़ाते हैं या मैं तो गणित पढ़ाता हूँ जी, भाषा तो कोई और पढ़ाते हैं। ऐसे ही कई उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि कैसी हिचक शिक्षकों में व्याप्त है। शिक्षकों के साथ विस्तार से यह बात किए जाने पर कि अगर हाव भाव के साथ गीत कविता गाए जाने को कक्षा की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बना लिया जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे, तो ये बात तो सामने आती है कि सभी शिक्षक ये मानते हैं कि कोई भी विषय पढ़ाने से पहले गीत कविता गा लेने से बढ़िया वातावरण का निर्माण हो जाता है। बच्चों की झिझक दूर होती है, शिक्षक और बच्चे के संबंध सहज होते हैं, बच्चे भयमुक्त भी होते हैं, बच्चों का स्कूल से जुड़ाव और कक्षा में ठहराव दोनों ही बढ़ता है। सही है कि गीत कविता से ये सब बातें संभव होंगी, इसके अलावा और क्या होगा। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है वे बताते हैं कविताएँ बच्चों को आसानी से याद रहती हैं, इससे उनमें सीखने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका शब्द भंडार बढ़ता है, सुनने बोलने की क्षमता का विकास होता है, वाक्य संरचना की समझ बढ़ती है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। ऐसी लाइन चल पड़ती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। चर्चा यहाँ तक पहुँच जाती है कि गीत कविता गाने से बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है, भाषा शक्ति का विकास होता है, उनके भीतर मूल्यों का विकास होता है आदि 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 आदि। पर अब सवाल यही रह जाता है अगर सभी को पता है गीत कविताओं से उनकी कक्षा के वातावरण निर्माण से लेकर भाषा विकास और मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता आदि आदि बातें संभव होती हैं तो यही सब संभव कर सकना ही तो भाषा में तो यही सब संभव कर सकना ही तो उनकी भाषा की कक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है। फिर क्यों नहीं इसे कक्षा की रोजमर्रा की गतिविधि बना लिया जाता है।
गीत कविता पर वर्ष भर रचनात्मक काम करने के लिए शिक्षक की योजना में विविधता का होना जरूरी है। शिक्षक बच्चों को हाव भाव के साथ कुछ दिन तक गीत कविताएं सुनाएं, इसके बाद कक्षा के बच्चों को उपसमूहों में कोई गीत तैयार कर बड़े समूह में गाने के लिए कहे। शिक्षक और बच्चे जिन गीत कविताओं पर सुनने सुनाने का अभ्यास कर रहे हों, शिक्षक उनके पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाएं। जब बच्चे गाए जा रहे गीतों को लिखित रूप कक्षा में प्रदर्शित देखेंगे तो उन्हें स्वयं ही पढ़ने का प्रयास शुरू कर देंगे, इससे उनकी पढ़ना लिखना सीखने गति में इजाफा होगा। शिक्षक लगभग 10 कविताएं ऐसी चुनें जो बेहद सरल हों और जिनमें आगे बढ़ाए जाने की भरपूर संभावना हो, जैसे मेंढक तीन घूमने चले, दिन भर गाना बजाना किया, रुपया किराया कुछ न दिया, ए ओ चुप न रहे, बिल्लियाँ तीन घूमने चलीं, दिन भर गाना बजाना किया, रुपया किराया कुछ न दिया, म्याऊ म्याऊ। इस तरह की कविता बच्चे जिसे आगे बढ़ा सकें, जैसे बच्चे कैसे बढ़ाएंगे, घोड़े तीन घूमने चले, दिन भर गाना बजाना किया, रुपया किराया कुछ न दिया, ही ही। एक दूसरी कविता, चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में, गाय ओ गाय कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में घास की तलाश। बच्चे इसे अपने आगे बढ़ा सकते हैं, घोड़ा ओ घोड़ा कहाँ गया था, अरे यहीं था पास में चने की तलाश में। इससे बच्चों को कविता की रचना करना दूर की कोड़ी नहीं लगेगी, उनमें आत्मविश्वास आएगा कि वो भी कविता बना सकते हैं। ये काम अधिक प्रभावशाली हो जाएगा अगर बच्चों की स्थानीय भाषा की गीत कविताओं के साथ इसकी शुरुआत की जाए। इसके बाद बच्चों को झरना, पेड़, पहाड़, नदी आदि विषय देकर दो दो चार चार के समूह में कविता बनाने के लिए दे सकते हैं। गीत कविता की जरूरत को समझकर, भाषा विकास में उसकी जबरदस्त उपयोगिता को देखकर और योजनाबद्ध ढंग से काम करके कक्षा में ऐसे सृजनात्मक वातावरण की निर्मिति संभव है जिससे बच्चों का मन तो रमेगा ही, वे इंतजार करने लगेंगे कब सुबह हो, कब स्कूल जाएं और कब वे काव्य का रसास्वादन करें। इससे ये जरूरी नहीं कि भविष्य के कवि हों, ये उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि भविष्य में बेहतर पाठक, बेहतर और इतना हो जाता है बनेंगे। तो आप ही बताइए फिर बाकी होना क्या रह जाता है। आप सभी भी अपनी सहमति असहमति, अपने सुझाव, कक्षा कक्ष में किए गए अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर आपको गीतों के कुछ संकलन की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जरूर लिख भेजना, जिससे मैं आपको एक गीतों की पूरी बुकलेट आपके साथ शेयर कर सकूं, जिन्हें आप अपने कक्षा कक्ष में करा सकते हैं। इसी आशा के साथ गीत कविताएं हमारे जीवन का हिस्सा बन उठेंगी। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।